और इस बीच दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी बयान दिया है। सोनिया गांधी के रिटायरमेंट पर मनोज तिवारी ने कहा है, सोनिया जी ने जल्दबाजी में निर्णय लिया है। मनोज तिवारी ने गुजरात चुनाव में जीत का दावा किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, उनसे बातचीत करते हैं। मनोज जी, तमाम जो एग्जिट पोल भारी बहुमत बीजेपी का दिखा रहे हैं, लेकिन जो 150 का टारगेट क्या गुजरात में रखा था, उस तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग? हाँ, मुझे लगता है कि हम लोग 150 के तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल तो सभी लोग बहुत ही सोच समझ के विश्वसनीयता के साथ दिखाते हैं, और जो एग्जिट पोल का रुझान है वो 135 तक तो ऐसे ही टच कर रहा है, तो हम लोग का जो विश्वास है 150 टच करेंगे, वो मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है शायद हो जाएगा। एक बात, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं, तो ये एक अच्छा शगुन आप लोग तोहफा उनको दे रहे हैं। सोनिया गांधी जी ने आज रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, इस पे क्या कहें? इट इज टू अर्ली, मुझे ऐसा लगता है कि अभी सोनिया जी के आशीर्वाद की, उनके मार्गदर्शन की काफी जरूरत पड़ेगी राहुल जी को और कांग्रेस को। तो वैसे तो उनका ये डिसीजन है, हम सभी शुभकामना करेंगे, हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन हमें लगता है कि ये निर्णय थोड़ा सा जल्दी का है, राहुल जी को उनके मार्गदर्शन की बहुत जरूरत पड़ेगी। बस बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज तिवारी जी का साफ साफ कहना है कि दोनों राज्यों में जीत रहे हैं, 150 का टारगेट भी गुजरात में अचीव करेंगे, लेकिन जहां तक सोनिया गांधी के रिटायरमेंट का सवाल है, वो कह रहे हैं कि शायद ये फैसला उन्होंने जल्दबाजी में ले लिया। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजल के साथ संतोष पाठक, समाचार प्लस के लिए।